एक साहिब ने सवाल पूछा है कि बच्चे की पहली तनख्वाह पर किसका हक ज़्यादा है। देखिए, औलाद पर वालिदैन के हक़ हैं और वालिदैन के औलाद पर हक हैं, और बस ये पहली तनख्वाह का एक रवाज चल पड़ा है कि बस ये पहली तनख्वाह आई है अब इस पर माँ का हक़ ज़्यादा होगा या बाप का, तो किसी का भी हक़ ज़्यादा नहीं है। ये इसने कमाया है, ये ख़ुद मुख्तार है इस मामले में, जिसको जितना दिल चाहे ये दे सकता है और किसी को ऐसे मुतालबे नहीं करने चाहिए। हाँ, पहली तनख्वाह है, खुशी का मौका है, तो बेहतर है अपने अजीज़ वकारब को दे, वालिदैन को दे, सदका कर दे कि अल्लाह ताला ने इसको नौकरी दी है, नेमत के शुक्रिया के तौर पर कर सकता है। लेकिन हक किसी का भी बरल नहीं है, ये चूँकि ख़ुद मुख्तार है इस मामले में, तो जिसको चाहे दे सकता है अपनी खुशी के साथ। तो इसी तरह इससे मुतालबात करना ये भी मुनासिब नहीं है। तो बस ये मामला ऐसा है कि खुशी से जो भी करना चाहे, शरीयत इसको कोई पाबंदी इस पर नहीं लगाती।